नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल आरजी इनोवेशंस में। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल बटन टू गेट ऑल द अपडेट्स। दोस्तों, दिवाली का मौसम है और दिवाली में पटाखे फोड़ना किसको पसंद नहीं होता है। तरह तरह के पटाखे होते हैं, अनार होता है, फुलझड़ी होता है, चरखी होता है, और इसे जलाने के लिए बड़ों से ज्यादा बच्चों में उत्सुकता होता है। लेकिन क्योंकि इसमें आग का खतरा रहता है, इसलिए हम लोग बच्चों को पटाखे से दूर ही रखते हैं। लेकिन फिर भी त्योहारों का मजा तो सबके साथ आता है, और इसलिए बच्चों के लिए सेफ एक पटाखे फोड़ने का तरीका आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसमें पटाखे आग से जलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और पटाखे के नजदीक भी नहीं जाना पड़ेगा, दूर से ही बटन के मदद से बच्चे पटाखे फोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, पटाखे फोड़ते समय बड़ों की निगरानी बहुत ही जरूरी होता है, तो आप ये बनाइए और अपने घर के बच्चों के साथ पटाखे फोड़ने का मजा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये इग्नाइटर या डिटोनेटर बनाने के लिए हमें कुछ तार के टुकड़े चाहिए और कुछ माचिस के तीली चाहिए। तो पहले इसको हम छील लेंगे और इसके अंदर बहुत सारे पतले पतले तार होते हैं, तो उसमें से बस एक तार हमको लेना है। और ये दो तार के टुकड़े हमें चाहिए जिसके एक तरफ थोड़ा सा वायर निकला हुआ हो। और ये जो सिंगल वायर हमने लिया है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम लेते हैं और इसको इस वायर के सर पे इसको अच्छे से ट्विस्ट कर लेते हैं। ये दिखने में देखिए ऐसा होना चाहिए। और दूसरी तरफ भी दूसरा एक वायर का टुकड़ा हम जोड़ लेते हैं। सॉरी, ये कैमरा थोड़ा हट गया था। तो ये देखिए, ये दो वायर्स के टुकड़े के बीच में एक पतला सा तार लगा हुआ है। ये जितना पतला हो उतना ही अच्छा होगा। और अभी हमको लेना है एक माचिस की तीली। इसके ऊपर हम एक हल्का सा कटिंग मार्क बना लेंगे, ये शायद आपको दिखे। देखिए, एक छोटा सा कट बना हुआ है ऊपर। और अभी इस वायर के टुकड़े को लेके हम लोग ये माचिस के ऊपर वो लगाएंगे। वो देखिए, जो कट हमने बनाए थे, कट के ऊपर ये पतला वाला तार यहाँ सेट करना है और बाकी दो वायर्स माचिस के दोनों साइड में आएगा। ये देखिए, ये ऐसा होता है। ध्यान रखना है कि दोनों तरफ के वायर टच ना कर जाए। और इसको अभी टेप से हम लोग कवर कर देंगे ताकि तार अपनी जगह से ना हिले। तो ये बन गया हमारा फ्यूज। इसी से हम लोग फायरिंग करेंगे। ऐसे बहुत से इग्नाइटर्स मैंने बना के रखे हैं। और ये है एक बैटरी, 6 वोल्ट का बैटरी। बैटरी का एम्पियर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। मैंने एक 1.3 एम्पियर का बैटरी लिया है। और ये देखिए, ये इग्नाइटर के दोनों तरफ जैसे ही मैं बैटरी का कनेक्शन देता हूँ, इंस्टेंटली ये जल जाता है ना मज़ेदार। तो इस बैटरी के साथ अभी हम लोग एक स्विच लगाएंगे। यहां एक साइड में स्विच लगा लेंगे। यह है एक पुश स्विच। इसको हम रेड वायर को बीच में काट के उसके साथ जोड़ लेंगे।
और ग्लू से इसको बैटरी के साथ चिपका देंगे। ये बन गया हमारा बैटरी का कनेक्शन। अब देखिए इसके साथ मैं एक इग्नाइटर फ्यूज कनेक्ट करता हूँ। और जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा, ये देखिए इंस्टेंटली ये इग्नाइटर फायर हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा इग्नाइटर डिटोनेटर। अभी इसको लॉन्ग डिस्टेंस करने के लिए हम इसके साथ एक बड़ा सा वायर जोड़ते हैं। और इसको टेप से कवर कर देते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। और यह है एक अनार जिसको हम ये डिटोनेटर से जलाने वाले हैं। तो ये फ्यूज को हम लोग यहां इसके साथ चिपका देंगे, जहां ये अनार का तीली है वहां पे। और इसको ये वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। और अभी चलते हैं बाहर इसको जलाने के लिए। तो ये रहा वो अनार जिसके साथ फ्यूज लगा हुआ है, और ये हमारा डिटोनेटर। वन टू एंड थ्री। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सारे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दिवाली धूमधाम से मनाइए अपने घर वालों के साथ। फिर मिलेंगे दूसरे कोई वीडियोस के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।